नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कश्यप इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत करता हूं। पिछले दिनों देखा गया है कि गोदी मीडिया के बुरे दिन चल रहे हैं। मानो जनता ने इनके खाल उतार कर इनका चेहरा सामने ला दिया हो। ये जनता के मुंह में माइक डालकर मोदी चालीसा सुनना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ और ही सुना देती है। आपने देखा होगा कि आज तक की US में क्या बेइज्जती हुई है। वो खबर पुरानी हो गई, नई खबर किसान आंदोलन के द्वारा भारत बंद की है। आज तक ने ट्रक ड्राइवर से बड़ी उम्मीद से पूछा कि ये जाम में परेशान खड़े हैं तो किसानों को कोसेंगे, लेकिन उन लोगों ने क्या बोला आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन कमाल की बात तब हुई जब ड्राइवर ने बोला कि हमसे 300 रुपये मांगते हैं, तो रिपोर्टर ने बड़ी मासूमियत से कहा कि आपसे पैसे किसान मांगते हैं। ऐसे पत्रकारों को जमीनी हकीकत बिल्कुल पता नहीं कि सड़क पर क्या भ्रष्टाचार चलता है। 8-9 बजे से खड़े हो, क्या कहा जा रहा है आपको? भारत बंद है, शाम तक खुले। शाम तक खुले, कहाँ से आए हो, किधर जा रहे हो? बरेली से आए हैं, बरेली जाना। तो इधर रास्ते पे से, इस रास्ते कहाँ जाओगे? हाईवे गाजियाबाद। हमें तो हमेशा ही परेशान होना पड़ता है। यहाँ हमेशा किसानों का तो नाम बदनाम है। यहाँ रात को 300-300 रुपए एंट्री लेते हैं, नहीं तो ये 40 किलोमीटर घुमा के भेजते हैं। 1 किलोमीटर बाहर निकालने के लिए 300-300 रुपए लेते हैं। कौन, किसान लेते हैं? नहीं, साफ पुलिस वाले बैरियर लगा लगा के। हम लोगों को तो परेशान होना ही पड़ता है। आप एक बार पीछे वाले गड्ढे से देखिए एक बार कि रोज डेली 2-4 गाड़ी पलटती है। एक आदमी पैदल नहीं जा सकता, हम लोग गाड़ी से निकलते हैं, सारा भाड़ा ढोते हैं, सब काम करते हैं, मगर हमें तो परेशानी करनी।